पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग अगले टॉपिक यानी अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, जिसका सिद्धांत कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया था, उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, यहाँ पे प्राकृत संख्या लिखी गई है, तो इसमें हम लोग यह देखेंगे कि इन संख्याओं में किन-किन संख्याओं से भाग लगता है। तो एक में एक से भाग लगता है, दो में एक एवं दो से भाग लगता है, तीन में एक एवं तीन से भाग लगता है, चार में एक से भाग लगता है, दो से भाग लगता है, चार से भाग लगता है, पांच में एक से भाग लगता है और पांच से भाग लगता है, छह में एक से भाग लगता है, दो से भाग लग जाता है, तीन से भाग लग जाता है और छः से भाग लग जाता है, सात में एक और सात से भाग लगता है, आठ में एक से भाग लग जाता है, दो से भाग लग जाता है, चार से भाग लग जाता है और आठ से भाग लग जाता है, नौ में एक से भाग लग जाता है, तीन से भाग लग जाता है और नौ से भाग लग जाता है, दस में एक से भाग लग जाता है, दो से भाग लग जाता है, पाँच से भाग लग जाता है और दस से भाग लग जाता है। इन संख्याओं को ध्यान से देखिए तो पता चलेगा कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड हैं और कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हैं। तो जिनके दो से अधिक गुणनखंड हैं वो हैं चार, छः, आठ, नौ और दस। इनके अतिरिक्त दो, तीन, पाँच, सात, ये संख्या जो हैं इनके सिर्फ दो ही गुणनखंड हैं यानी एक और स्वयं। तो जिन संख्याओं में एक और स्वयं से पूर्णतः भाग लग जाता है उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो इसका परिभाषा, एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्याएं जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो या जो एक एवं स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें अभाज्य संख्या यह है, यह है, यह है, यह है। दूसरा परिभाषा भी होता है कि वैसी संख्या जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं, वही अभाज्य संख्या कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा संख्या है भाज्य संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाते हैं। उसके बाद सह अभाज्य संख्या का परिभाषा हम देख लेते हैं। दो अभाज्य
अविभाज्य संख्याओं का अंतर यदि दो हो उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद अगला है अभाज्य गुणनखंड, वैसा गुणनखंड जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्या हो अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभी तक हमने इन सभी परिभाषाओं का अध्ययन किया, अब अंग गणित का आधारभूत प्रमेय जिसका सिद्धांत कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया था, उन्होंने क्या दिया था पहले जानिए। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। और देख लीजिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। सभी चीज के बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन कर लेंगे। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड की सहायता से HCF और LCM निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि HCF का मतलब होता है दी हुई संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। LCM का मतलब होता है HCF गुना अन्य गुणनखंडों का गुणनफल। एक और सूत्र का अध्ययन करना पड़ जाएगा, वह है एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर
HCF गुना LCM। अब देखिए प्रश्नावली 1.2 के एक का एक प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही इजी प्रोसेस है। दी गई संख्या है 140, 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटी संख्या होती है 2, मतलब कहने का मतलब है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। दो से भाग करेंगे 140 में तो 70, फिर 2 से भाग देंगे 70 में तो 35, 2 से 35 से भाग नहीं लगेगा तो 5 से भाग देंगे तो 7 आएगा, तो लिखेंगे 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 1 × 7 × 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, यह क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो संख्या दिया गया है 26 और 91, दोनों संख्याओं का एक एक करके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे 26 से 13 हो जाएगा, तो लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 13। उसके बाद 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 7 से भाग देंगे तो 13, तो लिखेंगे 91 बराबर 7 × 13। अब इसका HCF निकालिए। थ्योरी में हमने क्या बताया है, HCF का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। तो 26 और 91 में दोनों के अभाज्य गुणनखंड में देखिए कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है, यानी 13 उभयनिष्ठ है, तो इसका HCF हो जाएगा 13। HCF का मतलब होता है HCF गुना अन्य गुणनखंडों का गुणनफल, यानी 13 गुना अन्य HCF इसका 13 है और अन्य संख्या है 2 × 7, 2 × 7 हो गया, गुना करने पर आएगा 182, यह आंसर होगा। अब जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल। यानी 26 × 91, तो 26 में 91 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2366। अब निकालेंगे HCF गुना LCM, तो HCF है 13 और गुना LCM 182, देखिए दोनों सेम आया,
इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम टूट गया। अब क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, एक नंबर क्वेश्चन है 12, 15 और 21 दिया हुआ है, इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तीनों संख्याओं का एक एक करके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 5 और 21 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 7। तो सबसे पहले एचसीएफ निकाला जाए। तो एचसीएफ देखिए, तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को ध्यानपूर्वक देखिए तो पता चलेगा कि तीन जो है तीनों में सम्मिलित है, यानी उभयनिष्ठ है। इसका मतलब हुआ है एचसीएफ जो है इसका 3 हो गया। अब एलसीएम, जो एचसीएफ है उसको लिख देंगे गुना, बाकी जो बचता है रेस्ट अमाउंट बचता है उसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो हो जाएगा 3 गुना 6 गुना 12 25 60 70 420, यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है दो संख्या है 306 और 657, जिसका एचसीएफ 9 है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। यदि एलसीएम निकालना हो तो दो संख्याओं के गुणनफल में एचसीएफ से भाग देना होता है। तो दो संख्या है 306 और 657, तो लिखते हैं एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, यानी दो संख्याएं इसमें दो है दी गई है, 306 गुना 657 बटा एचसीएफ दिया गया है 9। 9 से भाग देंगे 306 में तो 34 भाग पर आएगा और इसका एलसीएम जो है 22,338 होगा आंसर। एक चीज हमेशा याद रखें कि प्राकृत संख्याओं के एक से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो जिन प्राकृत संख्याओं के सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या होता है, और जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वह अभाज्य संख्या होता है। तो यह बात हमेशा याद रखें कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और इसी थ्योरी के आधार पर प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग बनाए सॉल्यूशन। इसमें दिया हुआ है सोनिया एक मैदान का चक्कर 18 मिनट में लगाती है और रवि जो है उसी मैदान का चक्कर 12 मिनट में लगाते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यही सवाल है। सोनिया मैदान का चक्कर 18 मिनट में
गाती है रबी उसी मैदान का चक्कर बारह मिनट में लगाता है। दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लिया जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 18 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 3 × 3 और 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 3। तो एलसीएम देखिए इसका, दोनों में दो घनिष्ठ है और तीनों घनिष्ठ है यानी 6, और एलसीएम हो जाएगा इसका 6 × 3 × 2 यानी 36 मिनट, यही करेक्ट आंसर होगा। एलसीएम निकालने से इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी एलसीएम निकालने से इसका आंसर आ जाएगा।